नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है, ऐसी चाल चली है चीन के खिलाफ कि पूरी दुनिया खास करके अमेरिका और पश्चिमी देश तक हैरान है। और भारत ने बहुत तेजी से किया है, जिससे कि चीन को रिएक्ट करने का या फिर इस चाल को या फिर इस भारत की रणनीति को काउंटर करने का मौका ही नहीं मिला है। और ये भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। तो होने क्या वाला है जान लीजिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको और हम मैप में भी समझाऊंगा कि आपको कहां पर भारत क्या क्या करने वाला है। तो हुआ क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक पैक्ट साइन करने वाले हैं, शायद एक हफ्ते में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ्ते में साइन हो जाएगा। बहुत जल्दी कर रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसे, ताकि चीन को अड़ंगा ना डा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा लॉजिस्टिक पैक्ट साइन कर रहे हैं जिसके तहत भारतीय नौसेना तैनात हो सकेगी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना तैनात हो सकेगी भारत के जो जितने भी पोर्ट हैं या एयरबेस है वहाँ पर। और ये दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, खासकर कि भारत के लिए भी और उधर से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। कैसे है, पहले आप स्क्रीन पर चीज़ों को देख लीजिए, फिर हम जो फायदे और नुकसान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी हाँ, नुकसान भी है और फायदे दोनों हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ये भारत, यहाँ पर भारत के जो अंडमान वाले जो आइलैंड्स हैं वो, और नीचे ऑस्ट्रेलिया पूरा, यहाँ पर कहीं पर भी तैनाती हो सकेगी दोनों देशों की नौसेनाओं की आपस में। लेकिन ये जो मेनली जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए। आपको पता होगा कि जो चीन का मेनली जो जितना भी एक्सपोर्ट होता है 50% के आसपास, और जितना भी उसका सामान जाता है वो जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। ये बहुत ही छोटी सी स्ट्रेट है, और भारत इसे काउंटर करने के लिए ये कर रहा है, जिससे कि दोनों देश मिलकर जब भी अगर कहीं चीन एग्रेसिव कदम उठाता है जो सरहदों पर या फिर कहीं और, तो भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस क्षेत्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे और चीन का सारा व्यापार ठप हो जाए। और मेनली सिर्फ व्यापारी नहीं होता, जबकि इम्पोर्टर, इम्पोर्ट में क्या ऑयल, वो इसी के थ्रू जाता है, यानी कि जो ऑयल का जो सप्लाई है उसे भी ब्लॉक कर सकता है भारत इसके थ्रू। तो उसके लिए भारत ये रणनीति अपना रहा है। और इसमें अब बात कर लेते हैं कि फ़ायदा और नुकसान किसका है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, इसमें अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो भारत का भी फ़ायदा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी फ़ायदा है, लेकिन दोनों को डिफरेंट तरीके से। भाई भारत का तो ये फ़ायदा है सैन्य तौर पर, भारत को, भारत की जो नेवी है उसकी प्रेजेंस भी बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया में, और भारत को यहाँ पर बिना अमेरिका के भी इस तरह के एडवांटेज मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि भारत अभी तक जो पैसिफिक सी में अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद ब खुद निगरानी कर सकेगा चीन की ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से बेस बनाकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा है, ऑस्ट्रेलिया को फायदा इसलिए कि जब दुनिया की आप कह सकते हैं कि चौथी सबसे बड़ी नौसेना उसके यहाँ पर तैनात रहेगी, तो वो भी उसकी डिपेंडेंसी भी अमेरिका पर कम होगी, क्योंकि अभी तक सारी डिपेंडेंसी उसकी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका पर थी। यानी उसके पास ऑप्शन होगा कि आने वाले समय में वो भारत से भी सिक्योरिटी ले सकेगा, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक बूस्टअप हो सकता है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। भारत के पास ज़्यादा कुछ रहेगा चीन के खिलाफ और चीन की जितनी भी चालें होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीन सिर्फ दक्षिण चीन सागर में एग्रेसिव हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने द्वीप हैं जो छोटे देश हैं उन्हें भी अपने हथकंडों में फंसा रहा है, जो भारत के लिए आने वाले समय में हितों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये भारत की एक बेहतर रणनीति है पूरे, और भारत ने आपको बता दो बिना अमेरिका के इस चाल को चला है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाता है कि भारत कितना एग्रेसिव है इस समय चीन के खिलाफ। और चीन को भी इससे फ्रस्ट्रेशन हुई है कि भारत उसके खिलाफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या भारत ने बिल्कुल सही काम किया ये पैक्ट साइन करके, लॉजिस्टिक पैक्ट, और क्या भारत को ऐसे ही और ज़्यादा दूसरे देशों के साथ भी ऐसा करना चाहिए? आपको बता दूं कि भारत ऐसा ही पैक्ट दक्षिण कोरिया के साथ भी साइन कर चुका है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।